ओम शांति। 27 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मीठी मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है मुरली का, इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा बाबा ने कहा, ज्ञान का तीसरा नेत्र अंधियारे अनेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाबा ने हमें बुद्धि रूपी नेत्र दिया है, ज्ञान चक्षु दिया है, समझ का तीसरा नेत्र जिसे आत्मा, आत्मा अर्थात समझ। तो समझ हमें आदि मध्य अंत की, बेहद के ड्रामा की। तो बाबा कहते हैं यह त्रिनेत्र दे, है ना, अंधियारे से रोशनी में ले जाना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है और किसी के पास में ये बल नहीं है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है। बाबा पढ़ाने वाला ईश्वर परमात्मा गुप्त है, दिखाई नहीं देता लेकिन पढ़ा रहा है। हम आत्माएं पढ़ती हैं, गुप्त है इस देह में, दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर के द्वारा आत्मा पढ़ती है। परमात्मा का वंडरफुल ज्ञान, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर, इनके कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के हमें वो गुप्त ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा क्या है, है ना, ये सब गुप्त है तो किसको भी समझ में नहीं आता है। परमपिता परमात्मा क्या है, तुम बच्चों की आत्मा क्या है, तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है, कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं। अच्छा हम किसी को भी याद करेंगे तो डायरेक्ट हम आत्मा को थोड़े ना याद करेंगे या आत्मा की थोड़ी स्मृति आएगी। हम यदि अपनी माँ को याद करते तो पहले उनका चेहरा, उनका रंग रूप, उनका शरीर ही याद आएगा ना, फिर बाद में आत्मा तक पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे थोड़ी है ना कि आत्मा समझना है तो हर किसी को आप आत्मा आत्मा कहना शुरू कर देंगे। नहीं, जिसका जो नाम शरीर पर पड़ा है उसे उसी नाम से पुकारना पड़ेगा, जिसके साथ में जो संबंध है उसी संबंध के साथ लेकिन उसे आत्मा देखना है। तो बाबा कहते इस तरह से तुम सब बच्चों को, मैं बैठ बच्चों को समझाता हूँ ना, बाबा कहते हैं कि नाम से ही बुलाएंगे ना, तो नाम रूप है तो बोल सकते हैं, तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है, अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्होंने भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे ना तो बनाने वाला भी तो कोई होगा, इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया ना, कहते ना अल्लाह ताला, तो अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे,
बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। हम आत्माओं का वालिद है ना परमात्मा। तो बाबा कहते नॉलेज जो है बाबा ने दिया तो बच्चों के लिए दिया, जिसका कोई पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं है। अब पता हो भी कैसे जब तक वो आकर बताए ना। तो बाबा कहते बाप तुम बच्चों को अल्फ और वे समझा रहे हैं कि अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो बाबा का राज समझा रहे हैं, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ। तो अल्फ और वे का राज समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती, आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है, बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को छिकर भीतर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं, ये चढ़ती कला है ना। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते, समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा कहते हैं बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। कल्प बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं, नथिंग न्यू। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते हैं, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल है तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बचाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, कोई भी पिता चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, पिता पिता है और पिता अपने बच्चों को हर वो सुख देना चाहता है जो उसे भी नहीं मिलता। बाबा खुद नहीं खाता हमें खिलाता है, बाबा खुद नहीं पहनता हमें पहनाता है, बाबा खुद कुछ बादशाही लेकर के इधर राजाई नहीं भोगते हैं, प्रलब्धि प्राप्ति में नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आकर के कर्म में आते, फिर भी बाबा हमें इतना ऊंचा बिठाते हैं, है ना। वो किसी भी प्रकार की अपने बच्चों से आस नहीं रखते हैं, लौकिक में तो फिर भी आस रखते हैं कि हम इनको पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, इनकी पालना कर रहे हैं तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर कई कई जो हैं तो कर्तव्य समझ कर करते हैं, फिर हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही हमारा निरहंकारी निराकारी और निस्वार्थ भाव से जो हम बच्चों को वर्षा देते हैं वो एक ही बाप है। इतना ऊंचा बिठा करके जाते हैं हमें, है ना। और हम देखो रावण राज में आकर भक्ति में रात में आकर के गिरते ही आए हैं ना, भक्ति से गिरते ही आए हैं। तो बाबा कहते हैं यह सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, है ना, अब चढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं कि दुख से भी सुख जास्ती है, दुख से भी सुख जास्ती है।
तो यह सब बातें सुनना है, समझना है। बाबा कहते सदगति करने नहीं आते जो धर्म स्थापन गुरु आते हैं ना, तो ज्ञान का सागर और कोई और किसी में ज्ञान है ही नहीं, एक ही है ज्ञान सागर। तो ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामे में पार्ट बचाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके, दुख धाम में कैसे होगी बताओ। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो जाती है, लेकिन वो शांति का सागर आए तब तो फिर शांति का पूरे में सागर बनाए। तो जब बाबा कहते हैं दुख धाम में तो शांति हो ना सके, शांति तब मिलती है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने, यह देवता सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे जास्ती सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं, पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं, कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं, उनको याद करने से फायदा क्या, हनुमान को रट्टा लगा लिया, याद कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हम भी भक्ति में थे तो बहुत अधिक पढ़ते थे, तो बाबा कहते हैं उनसे फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आज यान आव भगत करते हैं, तुम और किसको आज यान नहीं देंगे, तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ झड़झड़ी भूत है ना, सारा झाड़ झड़झड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मपति बनाता हूँ, सुदामा पद्मपति बनाना तो सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो, वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। ब्रह्मा बाबा की यहाँ बात हो रही है, ये भी पढ़ते थे, दिन में कितने दफा पढ़ते थे, बिना गीता पाठ किए जाते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं इन्होंने भी फिर जब सुना तो वंडर खाया, बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है, कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन, देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते तो जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। बाबा कहते हैं सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता ही रोम कर दी है तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायः लोप हो गया, अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो, पुरानी दुनिया का हिस्सा अब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं फिर पहले पहले आते हैं, सबसे पहले बिछड़ने वाले बाप से हम ही हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। बाबा कहते हैं इन बातों में जास्ती ना जाओ, डिटेल में मत जाओ, है ना, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता एक है, एक बाप है, टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीर धारियों की महिमा करेंगे, यह है सुप्रीम आत्मा। विगत शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं, बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है, कोई मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर
प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे, करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, यह तो बहुत मनुष्य समझाते हैं ना। मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं देखो कितना है, कहीं ना कहीं उससे अच्छा करने की ही बात आती है ना, कर्म करो, है ना। कोई भी मोटिवेशनल थॉट होते हैं तो सब में कुछ ना कुछ कर्म को सुधारने के लिए होते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो यही कहेंगे कि चलन अच्छी चलो, यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है, आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी, आने से ही बनेगी। तो जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे, उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है, झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या, हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो। बाबा कहते हैं राज्य करने, वह तो अकेले आते हैं फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर तीन ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबसे सबको नीचे आना ही है, तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज वन। तो परंतु नॉलेज क्या है या किसको मालूम नहीं है, तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए, भगवान का रथ भागीरथ ना, ये भागीरथ है ना, क्योंकि भगवान का ये रथ है, तो भाग्यशाली रथ चाहिए। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है, ज्ञान है दिन दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं बल घर में गीता पाठशाला खोलो, बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा है। कई के पास में जगह रहती है तो टीचर बहनों को, ब्रह्म कुमारी बहनों को बुला लेते हैं, है ना, एक घंटे के लिए अपना तीन पग जमीन, कहा ना बाबा ने कितना चाहिए उनको, है ना। फिर बाकी इस्तेमाल भी करो, बाबा कहते हैं, लेकिन यदि आपके पास है तो दे सकते हैं जगह, तो दूसरों के लिए जगह देते हैं, बाबा कहते हैं यह भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होने चाहिए, यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, अब समय है घर जाने का और सभी का, तो इसलिए बाप को कोई प्यार से याद करना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं, देह अभिमान को हठ कहा जाता है, बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कोशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए, वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है। तो जो आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो, है ना। ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा मुख में, जब तक आपके अंदर में वो धारणा नहीं आएगी, तो जैसा सुनना है वैसा बनना है, फिर बनाना है। बाबा कहते
बाप को, बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है, ये गौ मुख है ना। बाबा कहते हैं कि भगवान का ज्ञान है ना इस मुख के द्वारा। तो जो भक्ति में बैल दिखाया है ना, बैल पर सवारी कर रहा है ना, तो वो यही बैल है। इसके मुख के द्वारा फिर ज्ञान आता है। तो बाबा कहते बाप सबको बादशाही देते हैं, गौ मुख द्वारा सुनाते हैं, इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। टोली पता है ना क्या होती है, जो बाबा के बृहस्पतिवार और रविवार को बनती है ना, है ना, तो वो उसे टोली कहते हैं। तो झजी बहुत टोली बच्चे, हाँ अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या, जो कल्प पहले हुआ था सो फिर होगा, ड्रामा में सभी नोंद है और जो होगा वो हुआ था। तो समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइस मिलती है, देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो, साइलेंस से विजय और साइंस से क्या होता है विनाश, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहम कि मैं शरीर में नहीं आना, मैं कहने वाली मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर विनाशी है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ने नॉलेज पहना, आत्मा ने ही सुना, आत्मा ने ही धारण किया, आत्मा ही दूसरी आत्मा को सुनाती है, परमात्मा का सुना हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ निमित्त हैं, अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान है मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, देवी देवताओं वाला स्वरूप, तो इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है खुशी आपका स्पेशल खजाना है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। हमारे मनमोहनी दादी कहा करती थी कि खुशी
कि खुराक खाओ खिलाओ, खुशी को कभी चोरी मत होने देना। आपका यदि कोई घर में एक चांदी की चम्मच चोरी कर लेता है तो उस चम्मच के लिए इतना हड़कंप मचा देते हैं कि रिपोर्ट होकर के पुलिस भी आपके घर आ जाती है, पूरे मोहल्ले पड़ोस में गाँव में पता चल जाता है। लेकिन आपकी खुशी कोई चोरी करके ले जाता है और आप उस खुशी को चोरी होने देते हैं, और जबकि वो चम्मच स्थूल है, आप उसे हद के धन से खरीद सकते हैं, निर्जीव वस्तु है, उस निर्जीव वस्तु के पीछे आपने कितना हड़कंप मचाया, और कोई आपको दो बातें सुनाकर चला जाता है और आप उस अपनी खुशी को खो देते हैं, जबकि वो खुशी आपके जीवन का आधार है, जीने का आधार है, आपके इस तन का भी और मन का भी, दोनों का स्वस्थ रहने का आधार है। लेकिन आप उस खुशी को चोरी होने के लिए एक सेकंड नहीं लगाते और चोर को चोरी करने देते हैं। तो आपकी खुशी आपके अंदर है, उसे चोरी होने ना दें।